कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं कंप्यूटर के जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है आपका है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेट के बारे में जानिए कि क्वेश्चंस जो इंटरनेट का जो आता है वो इस प्रकार से क्वेश्चंस आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे है आपका, विश्व प्रसिद्ध जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो वो है टीम बर्नर्स-ली। क्या नाम है इनका? टीम बर्नर्स-ली। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए, टीम बर्नर्स-ली, ठीक है। अब क्वेश्चन दो है यहाँ पे, वेब पेज की भाषा होती है। तो वेब पेज एक प्रकार का लैंग्वेज होता है जिसमें कोडिंग करके वेब पेज क्रिएट किया जाता है। तो वो भाषा ना ही अंग्रेजी है ना ही पास्कल, वो मुख्यतः HTML है। क्या है स्टूडेंट्स? HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म होता है वही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको याद रखेंगे। और वो वेब पेज की भाषा होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्री ईमेल सेवा के जनक कौन है? तो फ्री ईमेल सेवा जो बनाया है वो शरीर भाटिया, हॉटमेल जिन्होंने बनाया था। तो ये पहला जो है फ्री ईमेल सेवा का जनक किन्हें बोला जाता है? तो शरीर भाटिया को ईमेल सेवा, फ्री ईमेल सेवा का जनक बोला जाता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? बिल गेट्स तो आपको पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता है। फिर पॉल एलन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? आर टॉमलिंसन। जो ईमेल के जन्मदाता हैं वो कौन है? आर टॉमलिंसन, बिल्कुल याद रखना है आपको। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता कौन है? आर टॉमलिंसन। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बिल्कुल नहीं। बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, बिल्कुल नहीं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर जो पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का ये यंत्र है। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ई व्यापार या ई कॉमर्स क्या क्या अर्थ है? ई कॉमर्स होता है इंटरनेट पर व्यापार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, इंटरनेट पर व्यापार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट पर व्यापार। एसपेन किस विषय से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से आप देखते होंगे कि जब जीमेल आप खोलते हैं तो उसमें स्पैम आता है। तो ये एक प्रकार का मैसेज होता है जो एडवर्टाइजिंग के पर्पस से कंपनियों के द्वारा पूरे मैसेज किया जाता है। तो ये स्पैम जो है अनवांटेड मैसेज है एक प्रकार का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? तो सूचना पर लॉगिन, देखिए सूचना, पासवर्ड, मोडेम, पिनाका। तो याद होगा आपको कि पिनाका जो है ये एक प्रकार का सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये इमेज क्रिएट, इमेजिंग, इमेज फोटोग्राफी से संबंधित है पिनाका, ठीक है। कंप्यूटर में मोडेम का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में मोडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और जो है मॉडेम का काम क्या होता है वो देखिए, ऊपर ऑप्शंस हम देखते हैं क्या है, तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। मॉडेम यहाँ पे है तंत्र जो सूचनाओं को, इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, तंत्र जो सूचनाओं को एलिमिनेट करता है, तंत्र जो सूचनाओं डाटा को केंद्र तक पहुंचाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कि मॉडेम का काम है इंटरनेट स्थापित करना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकास संस्थान है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ये याद रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, सॉफ्टवेयर विकास संस्थान है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास संस्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो वो है बिल गेट्स,
अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली नहीं है? तो वो है साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण, और डी में है आपका ऑप्शन, वो है मॉडेम। तो देखिए, साइबर स्पेस भी है, अपलोड करना मॉडेम भी आपके, लेकिन प्रकाशीय भंडारण ये अलग चीज है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेट पे www का अर्थ होता है कि ये तो आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। याहू, गूगल और MSN एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां शनि ग्रह के चल रहे हैं। तो यह इंटरनेट साइट क्या है, आप देखे होंगे याहू, गूगल, ये सब सर्च इंजन है और इंटरनेट साइट है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये चीज। अब है वह युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। तो ये काम किसका है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, यानी क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम कौन करता है? तो मॉडेम करता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मॉडेम। ठीक है, मॉड्यूलेटर का काम है कि एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में बदलना, डिमॉड्यूलेटर का काम है एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट कर देना। तो यही है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? तो देखिए, सिस, लूनर, भारहीनता, टेली मॉनिटरिंग और बाइट। तो आपको पता होगा कि बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है, क्योंकि बाइट जो है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला शब्दावली है, 8 बिट का एक बाइट होता है, तो वो है ये चीज। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? तो एनालॉग है, उसके बाद है आपका बाइनरी कोड, उसके बाद मॉडेम है, चिप है। तो कंप्यूटर पद तो है, एनालॉग जो है कंप्यूटर पद नहीं है, क्योंकि एनालॉग डिजिटल को एनालॉग कन्वर्जन होता है, लेकिन एनालॉग करेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर पद नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग जो है कंप्यूटर पद नहीं है। ठीक है, अभी हम जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको आज बताया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मैं इसी प्रकार से आपको नया नया वीडियो डालता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।